Hey guys, good morning. Welcome back to my channel, Mummy and Kids Vlog. तो आज राखी आप सबको मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी राखी. ये वामिका एंड ये है विवान एंड ये है भाई. हाय चाबी का मेरा कल ही आ गया था चाबी. तो आज हम राखी से तो गाइस जब ये देखो ना, जब भी मैं बेडशीट बिछाती हूँ कि ये ड्रामे होते हैं, तो जब तक भैया इनको लेके जा रहा है बाहर, मैं फटाफट से सेट कर देती हूँ बेडशीट. और गाने चल रहे थे ना, तो बच्चों की आदत है मतलब बेड पे आके चढ़ चढ़ के डांस करना. मामी का फिर से आ गई है, देखो आप. बेडशीट हो गई है ठीक, तो मैं फटाफट से लगा रही हूँ झाड़ू. एक तो लेट उठी हूँ मैं आज, और ऊपर से पता नहीं बच्चों ने इतना गंदा कर रखा है ना, मतलब बार बार गंदा कर देते हैं गाइस, क्या ही बताओ. मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाती है सफाई करते करते ना, क्योंकि फैलाते बहुत हैं ये. पता नहीं सबके बच्चे शायद फैलाते होंगे, लेकिन मामी का मन तो गौर पूछो मत. गाइस तो मैंने झाड़ू लगा लिया और थोड़े से बर्तन धो लिए. कल रात को मैं दूध फ्रिज में डालना भूल गई थी, दूध फट गया सारा, तो वो भी फेंका. तो अभी बस मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, मतलब बॉईल हो रहे हैं, और मैं थोड़ा आटा गूंथ लेती हूँ. भैया को पूरी पसंद नहीं है, तो देखती हूँ क्या करूँगी. त्यौहार है आज, तो पूरी बनाना जरूरी है, और उसे पसंद नहीं है, तो देखती हूँ, पूछ लूँगी उससे. फिलहाल मैं आटा गूंथ लेती हूँ. घर बैठे बैठे बोर ही हो रही हूँ पता है गाइस. तो मैंने यहाँ सोचा कि आज राखी है, तो आज के दिन से 19 अगस्त से मैं ना स्टार्ट करती हूँ वापस से ब्लॉगिंग. तो लेट्स सी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा भी बनाऊँगी लेकिन बनाऊँगी ज़रूर. तो बस मामी का आ गई पीछे से, देख तो गाइस आटा मैंने गूंथ लिया. बस अब मैं कोशिश कर रही थी कि बस कैसे भी पोछा लग जाए टाइम. आप देख रहे होगे सामने 11 बज चुका है, तो फटाफट मैं हाथ से पोछा लगा रही थी, वाइपर से नहीं मार रही थी ना मॉप से. हाथ से थोड़ा अच्छे से लग जाता है, मेहनत लगती है लेकिन अच्छे से लग जाता है. उसके बाद से मैंने फटाफट शुरू की डस्टिंग. देखो विवान ने अपने मामा के साथ नहा लिया था ना, तो वो नंगो पंगो घूम रहा था. उसके मामा को आइडिया ही नहीं था पहनाना क्या है, और मैं काम में बिजी थी, तो बस ऐसे नंगो पंगो घूम रहा था. फिर मैंने साफ़ की टेबल, उसके बाद मैंने साफ़ की साइड टेबल, उसके बाद थोड़े से टॉयज़ के वो सारे उठा उठा के वो सफाई करी, क्योंकि बच्चे गंदे हाथ लगा देते हैं. अगर गंदा ना भी हो ना डस्ट से, इनके हाथ से गंदा हो जाता है. फिर ये अंदर तक ड्रेसिंग टेबल, सॉरी हाँ. तो मेरे घर का सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा, इट्स ऑल डन. ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? वैसे भैया जलाएगा दिया, मैं पहले नहा के आ जाऊँ. ये डेजी है, ये देखो, ये फैलाना फुलाना तो गाइस मेरे घर में दिन भर रहता है. मैं समेटती रहती हूँ और बच्चों का काम फैलाना होता है, तो ये तो दिन भर चलता रहता है. विवान ने नहा लिया अपने मामा के साथ, और बस मैंने यहाँ भी किचन का काम भी ऑलमोस्ट डन, सब कुछ हो गया. व्हाट आर यू डूइंग मामिका, क्या कर रही हो ये? यहाँ इनकी अपनी शूटिंग चल रही है. कहते भाई, मेरा भाई पता टॉवल यहाँ डाल देता बेड में नहा के. ये देखो मामिका. हेलो गाइस, तो मैंने नहा लिया, विवान को भी फिर से नहलाया, क्योंकि विवान ना रहता नहीं है, बिना मेरे साथ नहाए, और पीछे वामिका. तो बस अब हम तो गाइस आफ्टर शावर बारी थी बच्चों को कपड़े पहनाने के. मैंने स्टार्टिंग की विवान से स्टार्टिंग्स लिखी, क्योंकि वामिका को ट्राई कर रहा था भैया पहनाने का ड्रेस, वो अलग बात, उसे पहनाया नहीं गया. फिर आई वामिका की बारी, तो वामिका को मैंने ये फ्रॉक पहनाई, इसकी नानी ये बर्थडे में लेके आई थी, बहुत प्यारी फ्रॉक है, छोटी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर तक, अभी ठंडियाँ आ जाएंगी कुछ टाइम बाद, तो मैंने इसको पहना दी थी. बहुत सुंदर लगती है वामिका इस ड्रेस में, प्यारी सी, आप देख सकते हो गाइस कितनी सुंदर लग रही है वामिका. सुंदर लग रही है ना गाइस, प्रिटी लेडी प्रिटी लेडी प्रिटी.
ऐसे नहीं करती मामी, मामी ऐसे करती है। हाँ बेटा गाइस आज बन रही है पूरी। पूरी मैंने पहले ही बेल के रख दी ना। हाँ गाइस आज बनने वाले हैं टेस्टी टेस्टी राजमा। अभी फिलहाल तो पूरी बन रही है और सूखे आलू। देख पूरी देख कैसे फूल रही है, दिखाओ गाइस को, दिखाओ। टेढ़ी मेढ़ी हो गई थोड़ी, मैंने पहले बेल के रख दी थी है ना। हाय बोल दो बीबू, हाय बोल दो गाइस का। हाय किचन का काम जैसे निपटा फिर मैंने शुरू किए विवान के बाल बनाने, जो कि बहुत ये बहुत टफ टास्क है पता है। इनके बाल बनाना मीन्स ओ गॉड, पूछो मत गाइस। तो जैसे तैसे पकड़ पकड़ के मैंने विवान की चोटी बनाई, और वो एक ही चोटी बनाई, दो बनाती थी। उसके डैड बोलते कि एक बनाया करो ज़्यादा अच्छी लगती, तो मैंने एक ही बना के छोड़ दी थी। उसके बाद वामिका की बारी, वामिका तो इतना रोती है जैसे उसके बाल खोलो, मतलब वो वामिका बोलती कि मेरे को टच मत करो, मुझसे दूर से बात करो, मुझसे दूर से बात करो, दूर से पैम्पर करो, दूर से प्यार करो। तो वामिका का नेचर ये है, लेकिन मैंने जैसे तैसे फिर भी उसकी छुट्टियाँ बना के छोड़ी। देखो आप देख रहे हो, यू कैन सी कि वो रो रही है, सी इज़ क्राइंग, लिटरली क्राइंग। लेकिन फिर भी मैं माँ हूँ ना, मैंने बना लिया। और यहाँ विवान प्यारी कर रहा था। तो गाइस उसके बाद बारी आई मेरे इन बालों की, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। मैंने हेयर वॉश किया था, उसके बाद मैंने पूड़ियाँ बनाई, आलू बनाए, राजमा बल के बच्चों को रेडी किया। उसके बाद से मैं अपने हेयर को ड्राई कर रही हूँ ड्रायर से, वो भी इसलिए मैं वैसे यूज करती नहीं हूँ उसको, बेसिकली आई एम नॉट यूजिंग दिस ड्रायर। लेकिन अभी मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को ये करना चाहिए ट्राई, इसलिए मैंने किया। मैं हाथ लगाओ, भैया को लगा दो, बा को लगा दो, हाँ लगा दो, जय बा के बाद दो। जय करो, जय कर दो, जय। मैं तो आरती उतारू रे, टीका रहने दो, अब टीका नहीं, जय। हाँ लो भैया को मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ भैया को, मिठाई खिलाओ भाई, लो भैया, भैया को खिलाओ पहले, भैया को खिलाओ, भैया को, बा को, बा करो, लो। तो गाइस देखा आपने बच्चों की राखी हो गई है, जैसे तैसे करती है अगले साल से। शायद मेरे को पिछले साल भी लगा था कि इस साल से अच्छे से बच्चे राखी बांधेंगे, लेकिन इस साल फिर से लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर से ज़्यादा अच्छे से बांधेंगे, क्योंकि मैं विवान को मिठाई नहीं खिलाई, मामी का ने खुद खा ली। फिर मैंने अपने भाई को राखी बांधी, उसकी आरती उतारी, उसने मेरे पैर छुए, और उसके बाद मैंने उसको खिलाई मिठाई, और बदले में उसने भी मेरे को खिलाई मिठाई। और ये भैया मेरे विभू काट लेगी वो डेजी, हट जा बेटा उधर नीचे, डेजी नीचे पड़ रहा है। गुन्नू गुन्नू हटाओ, कह रहा है गुन्नू हटाओ गुन्नू। तो गाइस मैंने बनाई आलू पूड़ी, जो जिसका हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। उसके बाद मैं माँचने लगी थी बर्तन फटाफट, ऐसी स्पीड से क्यों इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन जाएगा, और फिर वो देखने में आप इंटरेस्टेड हो गए या नहीं हो गए आई डोंट नो, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर रखा है। और मैं माँच रही थी गाइस घिस घिस के बर्तन। उसके बाद तो नहीं बना के देखो गाइस, क्या चाहिए बात तो मैं तेरी सिया चश्मा देखो।
ये है आकाश, मेरे छोटे से देवर और मामी का मन के चाचू। तो इनको बुलाया मैंने आज क्योंकि राखी की फोटो नहीं हुई है। मामी का मन की फोटो कर दी थी लेकिन भैया की और मेरी नहीं हुई, तो मैंने बुलाया आकाश चाचू को। ये हमारे फोटोग्राफर है। मामी हाय कर दो। हाय इनका। हे गाइस, तो राखी बांधने के बाद बच्चे सो गए थे, मामी का मन भी सो गए थे और उसका मामा भी थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था। मैंने खाना मतलब दाल चौकी और चावल बनाए और थोड़ी सी रील्स बनाई, वो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी बाद में। भूख है नहीं लेकिन ये भूखे जाएगा राखी के दिन तो वो अच्छा नहीं लगता। चलो बाय बोल दो। वामिका को कोई मतलब नहीं है गाइस, वो कभी नहीं रोते। और बोल। चलो अब हम चलते हैं। विभु आओ चलो। क्या चलो आ, मामू जा रहा है। हैं बाय। मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। बानी को बोला बानी नहीं आएगी। बानी बाय बाय। आ जाओ। नो के दो आओ। नो नो आओ जाओ आओ। चलो अच्छे से पकड़। चलो बाय बाय। कितना खुश हो रहा है मुझे छोड़ने में, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। चल मेरे पास आ। मम्मी के पास जाओ। जाओ बाबू अम्मा जाओ। बाय। ऐसे नहीं करते ना, सुनो गंदी बात होती है। अभी आ रहा हूँ मैं टॉफी लेके। जाओ हम बालकनी से देखेंगे ठीक है। गाइस देखो कैसे रो रहा है, बहुत रोता है ये। वामिका को ना कोई मतलब नहीं रहता लेकिन ये इतना रोता है ना, कोई कोई जाता है घर से तो। मामी जल्दी आना बोल दो। बाय। वो नहीं करेगा रे, उसको बुरा लग रहा है। जाओ बाय। गाइस इसके मूड खराब हो गया। हाँ हाँ चलो दूध दूंगी आओ। मैं इसको सुला देती हूँ। मामा गए ना, हमको छोड़ के चला गया ना। मामा हमको छोड़ के चला गया। मामा को पाली कर दो, मामा दूध पिलाएगी। मानी चलो अंदर आओ। चिग्गी तुमने चॉकलेट फेंक दी बाहर, तो चिग्गी तो आएगी और क्या होगा। तो गाइस ठीक है, हमने खाना पीना खा लिया आपको पता है, और मैंने वीडियो बना रखी है आप देखोगे व्लॉग में। और तब तक मैं सुला देती हूँ इनको, और मैंने अपने हेयर कट करा रखा है तो हेयर छोटे हो गए हैं। कोई बात नहीं, अपने घर की कहती है। बाय कर दो चलो हम सो रहे हैं। हाँ मेरा बेटा ना बहुत प्यारा है, इसको बहुत बुरा लगता है। कोई भी आता है ना घर पे, होम डिलीवरी वाला भी आता है ना कुछ मतलब पार्सल लेके, तो मैं उसको कहूँगी थैंक यू भैया, भैया बाय ऐसे बोलता है।